अरे भैया कैसे हो? ठीक हो ना? नहीं। अरे क्यों? लॉकडाउन चल रहा था ना, इसीलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी आज इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा जो व्लॉगिंग सेटअप वो सारा मुकम्मल हो चुका है और अब से हम आपके साथ रेगुलर व्लॉगिंग किया करेंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो पहले भी कुछ दिनों से मैं व्लॉगिंग कर रहा था लेकिन वो उसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था और मेरे पास ट्राईपोड भी नहीं था। तो मैंने अब एक ट्राईपोड परचेज़ किया और एक माइक परचेज़ किया, उसके बाद एक अडेप्टर परचेज़ किया। तो ये सारा सेटअप मेरा कितने का बना और कौन कौन सा, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये किस मोबाइल से और किस कैमरे के साथ ये मैं शूट कर रहा हूँ और मेरे पास माइक कौन सा है और इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी किस तरह आ रही है। तो मोबाइल में मैं कौन सा कैमरा और कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इस ऐप का नाम है ओपन कैमरा, इससे बहुत ही कमाल वीडियो शूट होती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको अपना ट्राईपोड भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जी मैं आपको दिखाता हूँ जी माइक, ये वाला माइक है मेरे पास बोया MM1 का, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार का आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो ये वाला माइक बहुत ही अच्छा है और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही कमाल है। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं ये यूज़ नहीं कर रहा था, विदाउट माइक मैं वीडियोस बना रहा था लेकिन अभी मैंने ये परचेज़ किया। तो अभी मैंने इसको फ़िलहाल लगाया नहीं हुआ मोबाइल के साथ, इसलिए आपको वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज नज़र आया होगा। तो ये वाला माइक है मेरे पास, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ट्राईपोड कौन सा है। तो जो व्लॉगिंग के लिए सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास है ये सबसे ज़रूरी और बेसिक चीज़ है गोरिल्ला का ट्राईपोड। आप इसको आसानी से अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, जहाँ भी कहीं आप जाना चाहें तो इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं और ये इजी टू यूज़ है। आप इसको आसानी से इस तरह इसके ऊपर मोबाइल को लगा के तो आप आसानी से इससे व्लॉगिंग भी कर सकते हैं और दूसरे कैमरा शूट्स भी ले सकते हैं। और इसकी जो लेग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मूवेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप कहीं भी तरह किसी भी तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप किसी चीज़ पे लगा के भी अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। अगर आप कहीं सामने खड़े हैं तो आप तब भी वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल कि आप इससे किस तरह वीडियो शूट कर सकते हैं। तो जिस तरह इसको मैंने इस दरख्त पर लगा दिया तो आप इस तरह भी एक वीडियो का, अगर आप सामने से आ रहे हैं तो आप शूट ले सकते हैं, आप एक इस तरह भी वीडियो शूट कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक और तरीका है जी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको आप अपने बाजू पे लगा के भी, इसकी जो लेग्स हैं इससे आप बेनिफिट आप जितना चाहे ले सकते हैं। आप इस तरह अपने बाजू पे लगा के भी आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, जहाँ भी कहीं आप जा रहे हैं तो आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका कि अगर आपने कहीं किसी चीज़ को नीचे से दिखाना है या ऊपर से दिखाना है तो आप इसको अपनी नेक पर लगा के इस तरह, तो मोबाइल को इधर होल्ड करके इधर लगा के आप नीचे की शॉट भी ले सकते हैं और ऊपर के शॉट भी ले सकते हैं मोबाइल को अपने मूव करके। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये तकरीबन मुझे मिला था 500 का और आसानी से ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बेसिक चीज़ है व्लॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये परचेज़ किया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मोबाइल से मैं जो वीडियो शूट करता था तो वो उससे कैमरा वो स्टेबल नहीं रहता था, थोड़ी सी ऊपर नीचे वीडियो हो जाती थी और वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले ये परचेज़ किया था। तो चलते हैं जी दूसरी चीज़ की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी मेरे पास कौन सी ज़रूरी चीज़ है। तो नंबर टू पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है जी, वो है जी ये वाला मेरे पास मिनी ट्राईपॉड और इसके ऊपर ये वाला जो मैंने लगाया है माउंट अडेप्टर, ये वाला। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर आप इस तरह माइक को भी लगा सकते हैं और आसानी से इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एक वो ट्राईपोड ही है, ये भी आप इसको अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं और मोबाइल को इसके अंदर लगा सकते हैं माउंट अडेप्टर के। ये भी तकरीबन मुझे 500 का मिला था, दराज से मैंने परचेज़ किया था और इसके अंदर आप आसानी से माइक को भी लगा सकते हैं और माइक को लगा के इस तरह आप आसानी से वीडियो को शूट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको
माइक भी लगा के इसको दिखाता हूँ, पूरा सेटअप बना के आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला माइक किस तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं ये विदाउट माइक है। माइक ये वाला मैंने उतार लिया, ये अभी मैंने यूज़ कर रहा था तो ये मैंने उतार लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर आपको किस तरह लगाना है। ये वाला माउंट अडैप्टर है और ये मोबाइल है और ये आपका मिनी ट्राइपॉड है। इसके ऊपर आप ये वाला माइक इस तरह आप लगा सकते हैं आसानी से। इस तरह लगा के इसके ऊपर और आप इस तरह आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हैं। और आपकी जो वॉइस क्वालिटी है इतनी कमाल है कि वो बस मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी कमाल आपकी वॉइस क्वालिटी आएगी। तो ये भी एक आप छोटा सा सेटअप बना सकते हैं, और बड़ा ट्राईपॉड अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये आप कैरी कहीं भी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, वो भी आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो दोनों आपके पास हों तो ज़्यादा बेटर है, मेरे पास तो दोनों हैं, आप जो भी चाहें आप रख सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट व्लॉगिंग का सेटअप। तो इससे पहले जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे थे वो विदाउट माइक थी, और अभी मैंने दोबारा माइक लगा लिया तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि वॉइस क्वालिटी कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है माइक के होने से और ना होने से। और माइक होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास, अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो माइक लाजमी एक परचेज़ आप। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉगिंग का सेटअप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, आपका भाई आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहेगा। अगर आप भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एक सेटअप बनाया तो आप भी सेटअप इस तरह का आप आसानी से बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं।